एबीपी न्यूज़ 24x7 सच्चाई कलम की नोक पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीपी न्यूज। यहाँ इस वक्त की बड़ी खबर, शादी में ननिहाल आई 10 वर्षीय बालिका का संदिग्ध हालत में घर से 500 मीटर दूर नहर के किनारे मिला शव। शरीर पर कई जगह नुकीलेदार गोदने का निशान। आजमगढ़ बरदा थाना क्षेत्र के यादव लिखाई का आओ द हिलालपुर में 24 के बाद से लापता 10 वर्षीय बालिका का शव मिलने से हड़कंप मच गया। घर से 500 मीटर दूर नहर के किनारे बरामद हुआ शरीर पर हाथ व पैर पर नुकीले हथियार से गोदा गया था, सिर पर भी चोट थी। घटना को लेकर लोग अवाक रह गए। जानकारी के अनुसार मृतक वंदना पुत्री शिवपूजन उम्र 10 वर्ष मेहनगर थाना के रामगढ़ कटहल वर्धा थाना क्षेत्र के हिलालपुर में ननिहाल में आई थी। आज गाँव वाले सोच के लिए या टहलने के लिए गए कि नदी के किनारे पहुँचे तो जानकारी हुई। परिजनों ने पहुँचा, वहाँ पर पुलिस को सूचना दिया। मौके पर एसपी अनुराग आर्य पहुंचे। उन्होंने कहा कि मामले की जांच की जा रही है, कोई तथ्य सामने निकल कर आया तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लोगों द्वारा हत्या की आशंका जताई गई, चर्चा जोरदार पर है। आइए देखें मंगल मिश्रा की खास रिपोर्ट। क्या नाम है? अनीता। जोर से बोलिए। अनीता। अच्छा, ये बताइए कैसी ये घटना हुई, आपको जानकारी है? जानकारी तो क्यों ज्यादा सा। बच्ची कितनी वर्ष की थी? कितना वर्ष की थी? तो बच्ची आपके पास कब तक थी? 3 बजे तक आप बच्ची को देखी। 3 बजे के बाद हम सो गए। आप सो गई? हाँ। फिर इसके बाद में कैसा आपको मालूम पड़ा कि बच्ची के साथ ऐसा हादसा हुआ है? तो सुबह में सब उधर के सब लैटरिन करने के लिए नदी पर आपको किसी के ऊपर शक है? राजनीतिक, सामाजिक, सरोकार से भरपूर देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों से करेंगे आपको रूबरू। आइए रुक करते हैं आज के खबरों की ओर आपके अंदाज में। ताज़ा अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।